I don't think I've ever looked so neat. Hello you guys, welcome back to my channel. I'm so excited to tell you what is going to happen in this video, and that is I'm going to make my first ever vlog on football, on anything actually. I've never really made any vlogs, so this is going to be the first one, and it's going to be a little bit different because come on, hum football ke bare mein baat karne wale hain, aur wo kaise? The thing is that main jahan rehti hu, jis jagah pe main rehti hu, wahan pe football ka koi zyada craze nahi hai. Log individual level pe follow karte honge, but bahut kam. Jiski wajah se I thought that why not go out and ask people, do this social experiment, कि लोगों को footballers के बारे में कितना पता है, as in उनके बारे में कोई question answer नहीं करना है उन लोगों को, सिर्फ ये देखना है footballer का. मैं photo दिखाऊंगी and they have to guess ये कौन सा footballer है, and बहुत बहुत basic footballers पूछने वाली हूँ. By the way, मैं संगरूर से belong करती हूँ, that is in Punjab. Many of you might not know about it, and this is going to be my first vlog, and I'm so excited about it. And let's see क्या होता है. But then you guys will get a lot of idea, I think, about the football situation in my area. We are more of cricket people. Actually, cricket देख के बड़े हुए हैं हम लोग तो. And come on, don't get me wrong, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई cricket को नीचा दिखाने नहीं आई हूँ, because हर area का different है और यहाँ पर cricket बहुत popular है. Anyhow, that is it about me. इससे ज़्यादा और बात नहीं करने वाले हैं. बस let's just get into the vlog now, okay? So I'm all ready to take you to the place where I go and play badminton, and there are so many children that come there to play, and I'm going to do that test with them, that survey challenge with them, if they know those players or not. बॉलर्स है ना जो फुटबॉल खेलते हैं, मैं उसकी फोटोज दिखाऊंगी, ठीक है? अगर किसी को भी पता है कि वो कौन सा फुटबॉलर है तो तुम लोग बताना, ठीक है? सबसे पहला फुटबॉलर है ये मेसी. वाओ यार, मेसी. ओके, मेसी. मेसी बाहर ले, कौन का उधर ले बाहर ला, कौन है? मेसी. मेसी क्यों? हाँ हाँ, तुम्हें पता है. अच्छा तो ये कौन है? रोनाल्डो. 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 ये कौन है? पता है किसी को? नहीं पता. इंडियन कैप्टन. नॉट विजिबल. ओके, anyone? Indian hai, jina 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 Indian footballer hai tha. No, nahi. Ye kaun hai? Neymar. Kaun hai? Neymar. Very good. Neymar junior. Neymar. Anima. Ye kaun hai? No idea. No idea. Okay. No. 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 नहीं. ये वो है भाई चुंग गुटिया. हाँ. ये गुटिया. ये कौन है? मैं तीन ही फिल्मों के बारे में. मैराडोना. या. Okay. No. No. Okay. ये कौन है? नहीं पता? ट्रॉल है. अच्छा, ओके. ओके, इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू मीट अ फुटबॉल कोच इन संगरूर. नाउ आई केम अक्रॉस हिम 2 days बैक एंड लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, दैट यू नो हाउ डज फुटबॉल वर्क हियर इन संगरूर. रियली डिडंट नो दैट वी हैव अ कोच हियर, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट एंड नेवर रियली बीन टू अ फुटबॉल ग्राउंड. So I just want to see that how are the conditions here in Sangrur. So stay tuned, and I look so sleepy, I don't know why. Oh yeah.
पास अभी दो प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो संगरूर में खेलते हैं एंड आई एम विद देम राइट नाउ. एंड अभी हम उनसे पूछने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस कि संगरूर में क्या हालत है फुटबॉल का एंड वो क्यों फॉलो करते हैं एवरीथिंग अबाउट देम. तो लेट्स जस्ट आस्क देम. तो आप कौन सा क्लब फॉलो करते हो? मैं वैसे इंटरनेशनल क्लब रियल मैड्रिड फॉलो करता हूँ. वैसे मैं आई एम प्लेइंग इन केएस स्पोर्टिंग क्लब इन जालंधर. और आप कौन सा क्लब फॉलो करते हो? जुवेंटस. जुवेंटस फॉलो करते हो? मैं खेलता हूँ सुधारगांव. तो आपका फेवरेट प्लेयर जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला है गेम खेलने का तो वो कौन है? वन एंड ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो. वाओ. आपका? ओके. तो आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हो? आई एम अ सेंटर बैक. तो आप डिफेंसिवली yes. आपको अच्छा लगता है डिफेंसिव? yes. या आपने शुरू फॉरवर्ड के लिए किया था? लेकिन शुरू मैंने कीपर से किया था. अच्छा. स्टॉपर में पड़ गया था, तब से मैं स्टॉपर. स्टॉपर. ओके. आप? मैं गोलकीपर खेलता हूं वैसे तो. अच्छा, आप गोलकीपर. इधर संगरूर की टीम में डिफेंस खेलता हूं. संगरूर की टीम में डिफेंस में हो? ओके. तो आपका आगे का क्या एम है फुटबॉल में? आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया. वाओ. इट्स माय ड्रीम टू. आपका? मेरा मैं एम इंडिया के लिए खेलने का. इंडिया के लिए. आप इंडियन फुटबॉल फॉलो करते हो? तो आपको इंडिया में कौन सा अच्छा सबसे अच्छा प्लेयर लगता है? सुनील शेट्टी इज आवर लेजेंड. डेफिनेटली. दैट इज व्हाई आई फॉलो. आपको? मुझे ना सबसे अच्छा लगता है गोलकीपर गुरप्रीत संधू. बहुत उन्होंने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एशियन कप में. और वो सुनील छेत्री भी अच्छा है. दोनों के ऐसे लगता है दोनों टीम को ऊपर लेकर गए. सही में वो तो है. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन. अभी मेरे साथ संगरूर के कोच हैं. मैंने अभी स्टूडेंट्स से बात की है जो इनके स्टूडेंट्स हैं. ये कोच कर रहे हैं उनको. तो अभी हम इनसे बात करेंगे एंड विल आस्क हिम सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फुटबॉल. सर आप एक बार अपना नाम बताएंगे. मेरा नाम प्रदीप सिंह है. मैं फुटबॉल कोच हूँ डिस्ट्रिक्ट संगरूर का. मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में चैम्पियन हूँ टू टाइम. डिप्लोमा इन कोचिंग हूँ NIS पटियाला. तो सर आप कोई क्लब को फॉलो करते हो? बिल्कुल. मैं मैनचेस्टर को फॉलो करता हूँ. मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करता हूँ. तो इससे इसका मतलब हम राइवल्स हुए क्योंकि मैं लिवरपूल फैन हूँ और ये यूनाइटेड को फॉलो करते हैं. बट हाँ यहाँ पर पंजाब में मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो सबसे ज़्यादा फॉलोइंग मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो सबसे ज़्यादा लाइक डाई हार्ड फैंस जो होंगे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पंजाब में होंगे बाय द वे. आपको क्या लगता है कि इंडिया इस बार एशियन कप क्वालिफाइंग राउंड में आगे पहुँच चुका है, थर्ड राउंड में पहुँच चुका है, तो क्या हमारे चांसेस हैं जीतने के? देखो एवरी टाइम हम तो यही सोच के स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है. तो हम उस लेवल तक अप्रोच करते हैं कि स्टार्ट उसी से करते हैं कि पहुँचेगा. ट्राई ये भी है कि इस बार भी पहुँच जाए. कोई ऐसा मोमेंट आपके पूरे करियर में जो आपको लगे कि यार वो दिन सबसे अच्छा था आपके खेल में? जैसे बता रहे हूँ मैं कि मैं चैम्पियन हूँ उसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में. तो उसमें जो हमने इंटरवर्सिटी का फर्स्ट मेडल जो हमारा गोल्ड मेडल आया था पंजाबी यूनिवर्सिटी का, वो उस बैच का मैं स्टूडेंट हूँ. सबसे फर्स्ट बैच वही था जिसमें गोल्ड मेडल आया था इंटर यूनिवर्सिटी का. वो रेगुलर टू टाइम्स लगातार दो साल लगातार मैं उसी का मतलब कि मेंबर राउंड टीम का दोनों साल लगातार गोल्ड आया. वो फर्स्ट टाइम था पंजाबी यूनिवर्सिटी की टीम में. वो मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट थी बहुत. सर अगर आपको कोई चीज़ सिखा सको फुटबॉल के बारे में, मैंने आज तक खेला नहीं है फुटबॉल, तो अगर आप मेरे को एक चीज़ अभी ये सिंपल सबसे सिंपल है जो हम सबसे ग्राउंड लेवल पे जो बच्चा आता है उसको हम स्टार्ट करते हैं. वो स्टार्ट करते हैं कि बॉल को रोल करके फील, बॉल को फील देना. अच्छा. ये चीज़ सिर्फ फीलिंग करना. फिर बॉल को फील देना. ये आप फील कर सकते हो बॉल को पीछे रोल करके. हाँ बस आगे ये फील है. ये रोल एंड रोल है ना जो ये देखो ये बॉल फीलिंग है. सिर्फ बॉल फील करना है. ये आपने बॉल फील करना है कि बॉल को रोल करना. हाँ ये राइट है. ये देखो आपको खुद पता चल जाएगा पैर लगाने से. हाँ ये देखो ये वो वाला पैर आप बिल्कुल मूव नहीं कर रहे. हाँ ये देखो. हाँ. ये वाला ज़्यादा मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा लेफ्ट में ज़्यादा यूज़ करता हूँ. बट राइट भी कर लेता हूँ. हाँ. बट लेफ्ट ज़्यादा करता हूँ. थैंक यू सो मच. ये इस ब्लॉग का ऑलमोस्ट कंक्लूसिव क्लिप है. वन थिंग दैट आई नोटिस्ड फॉर दिस जर्नी ऑफ दिस ब्लॉग वाज दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट रोनाल्डो एंड मेसी एंड आल्सो नेमार जूनियर. हाँ एक चीज मैं अग्री करती हूँ दैट इंडियन फुटबॉलर्स के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था. मीन्स जीरो टू नो आइडिया था उनको इंडियन फुटबॉलर्स के बारे में. बट देन वही चीज है हमको अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा. जैसे ओलंपिक्स की वजह से इंडियन हॉकी फिर से लाइमलाइट में आई है, वैसे ही फुटबॉल इंडियन फुटबॉल भी लाइमलाइट में आ सकता है. मैंने कोच से बात की, स्टूडेंट से बात की, उनका पैशन अबाउट फुटबॉल, अबाउट प्लेइंग फुटबॉल फॉर
मे बी पंजाब एंड देन गोइंग फर्दर एंड प्लेइंग फॉर इंडिया वो दिखता है एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट कि ग्रास रूट पे जो काम हो रहा है वो होता रहे ताकि हम इंडियन फुटबॉल को भी लाइमलाइट में देखने लग जाएं। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी दैट द डिबेट ऑफ हु इज द गोट इज इट रोनाल्डो और इज इट मेसी दिस वीडियो पुट्स एन एंड टू इट सीरियसली यू नो व्हाई बिकॉज सबको इन दोनों के बारे में पता था आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट अगेन आई नो दैट मैं फिर से रिपीट करूंगी दे न्यू अबाउट रोनाल्डो एंड मेसी लाइक बहुत इजीली कि ये रोनाल्डो है ये मेसी है पता है यार और कुछ बोले बहुत सिंपल है ऐसे पता था उन लोगों को उनके बारे में सो दैट इज व्हाई जो डिबेट है कि हु इज द गोट भाई कम ऑन पुट एन एंड टू इट बिकॉज दोनों ही सेंसेशनल प्लेयर्स एंड वी आर लक्की दैट हमने अपने लाइफ टाइम में टू ऐसे फुटबॉलर्स विटनेस करे हैं सो द डिबेट एंड्स देयर फॉर मी थर्ड थिंग दैट आई नोटिस्ड डूइंग दिस रिसर्च वाज दैट मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे एरिया में फुटबॉल कोई कोच है कोई वो ऐसे सिखा रहे हैं उनके अपने एम्स एम्बिशंस एंड गोल्स हैं And I came across that. I think that was so fulfilling for me. And ये बातें सुनके you realize that यहाँ पर बैठ के opinion form करना is very easy. कि Indian football में कुछ नहीं हो रहा है. There is nothing that can be done. There are no players. There are no ambition. There are no discipline in people, in players. But जब हम उनसे बात करते हैं, we realize that कुछ ना कुछ तो हो रहा है ground level पे. समय जरूर लगेगा. बहुत time लग सकता है, no doubt. But changes हो रहे हैं, धीरे हो रहे हैं, पर हो रहे हैं. This also brings me to a point that हमारे अपने सर संदेश जिंगान सर वो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं वो सेंटर बैक पोजिशन पे खेलते हैं और अभी उन्होंने क्रोएशियन फुटबॉल लीग ज्वाइन कर ली है और वो क्रोएशिया की जो टॉप फुटबॉल लीग है उसमें खेलेंगे एंड दिस गिव्स मी सो मच जॉय वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल इन पंजाब एंड ही संदेश जिंगान सर चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं एंड ही इज गोइंग टू गो अहेड एंड फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ प्लेइंग इन यूरोपियन फुटबॉल इससे कितना एक्सपोजर मिलेगा And I think that is what is needed. And हमारे players बहुत अच्छा कर रहे हैं. And सुनो यार ये मेरा first vlog था. तो अगर कहीं कहीं लगे कि video काफी smooth नहीं है या sound में problem है, तो I'm very sorry about it. But then मेरे लिए खुद it was such a big thing to go out. मैं हमेशा इस कमरे में shoot करती हूँ. लेकिन पहली बार बाहर जाके कोई shoot करना, किसी से बात करना, and then लोगों से पूछना about football and stuff, तो थोड़ा difficult था. Because चाहे 100 videos, over 100 videos मैंने बना लिया, but still. थोड़ा कॉन्शियसनेस आ जाता है व्हेनेवर यू हैव टू गो आउट एंड रिकॉर्ड सो मे बी विद टाइम मैं थोड़ा इजी हो जाऊं अबाउट दैट एंड आई कैन कम अप विद बेटर फुटबॉल व्लॉग्स फॉर यू गाइस देन आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड माय व्लॉग हियर दिस इज इट एंड आई होप यू एंजॉयड इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू कॉमेंट बिलो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस बाय